सबको मेरा आदाब। कुछ चंद अशार पेश करूँगा मैं अपने गज़लों के, और मतलब और शेर हैं ज़्यादातर, और एक नज़म है आखिर में। तो आराम से सुनाऊँगा, आराम से सुनिएगा, अच्छी लगेगी। और जहाँ अच्छी लगे आप लोग की तवज्जो चाहूँगा, दाद चाहूँगा, जो समझ आए, नहीं समझ आए तो थोड़ा ज़्यादा दाद चाहूँगा, हौसला बना रहता है। तो पहले एक कुछ अशार हैं, एक मतलब और एक शेर है कि ये किसकी याद में तस्वीरें खंगालता हूँ मैं, ये किसकी याद में तस्वीरें खंगालता हूँ मैं, रोज़ अलमारी से पुराने ख़तों को निकालता हूँ मैं। कि ये किसकी याद में तस्वीरें खंगालता हूँ मैं, रोज़ अलमारी से पुराने ख़तों को निकालता हूँ मैं। एक फूल है जो मुद्दत से मुरझाया हुआ है, एक फूल है जो मुद्दत से मुरझाया हुआ है, और याद से रोज़ इनमें पानी डालता हूँ मैं। कुछ अशार हैं जो कि बिना मतलब के हैं, दो शेर हैं कि मेरे अशार पन्नों से मिटा भी दे कोई, लेकिन मेरे अशार पन्नों से कोई मिटा भी दे लेकिन कैसे इस हाथ से कलम की निशानी उतारी जाए। कि मेरे अशार पन्नों से मिटा भी दे कोई, लेकिन कैसे इस हाथ से कलम की निशानी उतारी जाए। कोई किस्सा छेड़ दे कहीं से तेरे नाम का, कोई किस्सा छेड़ दे कहीं से तेरे नाम का, और पूरी शब तेरे जिक्र में गुजारी जाए, और पूरी शब। एक और मतलब और एक शेर है कि दिल आवारा कहाँ फिरता है तुम्हारा, दिल आवारा कहाँ फिरता है तुम्हारा, तुमसे एक शिकवा करना है तुम्हारा। कि दिल आवारा कहाँ फिरता है तुम्हारा, तुमसे एक शिकवा करना है तुम्हारा, तुम गलती से मेरी कलम साथ ले गई, कि तुम गलती से मेरी कलम साथ ले गई, मेरे पास झुमका रह गया है तुम्हारा। कि तुम गलती से मेरी कलम साथ ले गई, मेरे पास झुमका रह गया है तुम्हारा। बहुत शुक्रिया। अब एक नज़म सुनाऊंगा कि शुरुआत में मैंने कहा था जैसे कि दाद बनती रहनी चाहिए, आती रहनी चाहिए, तो इससे क्या होता है कि आदमी का हौसला बना रहता है, अच्छा हो या बुरा सुनाए। जैसे कि एक किस्सा है कि एक बार एक मुशायरे में एक शायर ने एक शायरी पढ़ी अपनी, तो जो सामहीन थे वहाँ से आने लगे कि दोबारा दोबारा, तो उन्होंने फिर से पढ़ी, तो फिर सामहीन बोलने लगे कि दोबारा दोबारा, उनको बहुत अच्छा लगा कि यार इतनी अच्छी पढ़ रहा हूँ मैं, सब बोल रहे हैं, तो उन्होंने फिर से पढ़ी, तो सब बोलते हैं दोबारा दोबारा। तो शायर जी ने बोला कि अरे रुक जाइए, अगला भी पढ़ने दीजिए। तो सामहीन बोले नहीं नहीं पहले ये वाला अच्छे से पढ़िए। तो हो किसी की भी, तो बस यही है कि अच्छा हो या बुरा हो, सामने वाला जो शायर उसका कॉन्फिडेंस बना रहता है। तो एक नज्म है, तो एक नज्म है कि परेशान नहीं हूं मैं, कि बस एक भीड़ का हिस्सा बनके अच्छा नहीं लगता, कि बस एक भीड़ का हिस्सा बनके अच्छा नहीं लगता, जहां सब कस्में खाते हैं पर कोई सच्चा नहीं लगता। कि बस एक भीड़ का हिस्सा बनके अच्छा नहीं लगता, जहां सब कस्में खाते हैं कोई सच्चा नहीं लगता। मुस्कुराते हैं जो हसीन चेहरों पे जाकर, मुस्कुराते हैं जो हसीन चेहरों पे जाकर, फिर उन्हीं को बुरा कहते हैं, फिर उन्हीं को बुरा कहते हैं दूसरे चेहरों पे जाकर। कि मुझ में कुछ अलग है सब सोच के निकलते हैं, कि मुझ में कुछ अलग है सब सोच के निकलते हैं, हालांकि एक ही रास्ते पे कई सालों चलते हैं। कि एक जख्म है पुराना जिसे मिटाना है, कि एक जख्म है पुराना जिसे मिटाना है, और मैं जानता हूँ कि ये बस एक बहाना है। सबको हर एक बात बताना अच्छा नहीं, सबको हर एक बात बताना अच्छा नहीं, हर शख्स के सामने खुल जाना अच्छा नहीं। कि सबको हर एक बात बताना अच्छा नहीं, हर शख्स के सामने खुल जाना अच्छा नहीं। और आखिरी शेर है इस नज़्म का कि आंखें चौंक उठती हैं रोशनी में खुलने पर, आंखें चौंक उठती हैं रोशनी में खुलने पर, आदमी परेशान। कि आंखें चौंक उठती हैं रोशनी में खुलने पर, आदमी पर्दा नशी नहीं होता पहली बार मिलने पर। पहली बार मिलने पर शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया।